गांधीनगर गुजरात। इस राज्य का नाम सुनते ही यहाँ के शानदार व्यंजनों का ध्यान आ जाता है, और आए भी क्यों ना, यहाँ का खाना होता ही इतना स्वादिष्ट और सेहतमंद है। जब यहाँ का खाना देश विदेश में इतना पसंद किया जाता है, तो यहाँ की माताओं और बच्चों को भी तो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सकें। भारत सरकार का पोषण अभियान यही सुनिश्चित कर रहा है। लाइफ साइकिल में अच्छे से अगर सारी चीजें महिला को मिलती है, तो वो एक अच्छी माता बन सकती है। उसके द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है, वो भी एक सुपोषित बच्चा होता है। और वो अगर लड़की है या लड़का है, जो भी आगे जाके, वो फायदा हमें आने वाले दिनों में होने वाला है। इस अभियान से गांधीनगर के भाईजीपुरा कुडासन की एक गर्भवती महिला सेजल बेन हीराबाई भरवाड़ भी लाभान्वित हुई है। मारो नाम सेजल बेन है। गर्भावस्था के समय मेरे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई थी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम पोषण के बारे में मुझे बताया और मेरा रजिस्ट्रेशन भी किया। इस स्कीम के तहत उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मिलकर मेरे लिए गोद भराई की रस्म भी की, जिसमें उन्होंने मातृ शक्ति के 4 पैकेट मुझे दिए, जिसमें दिए गए सामान से मैं आज हलवा, गुड़ मिठाई, ढेबरा और बहुत से पौष्टिक आहार बनाकर खाती हूँ, जो कि मेरे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। काउंसलिंग भी किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना है, और हेल्थ की सेवाएं भी दी जाती है कि वैक्सीन कौन सी लगवानी है, क्या क्या गोलियाँ दी जाती है, कैसे उनको खान पान में और व्यायाम क्या कैसे करना है, वो सब बातें आंगनवाड़ी में बताई जाती है। माताओं को मिल रहा पोषक आहार, साथ निभा रही भारत सरकार।